Yes, come to the next page. However, the local culture and customs have also been absorbed into the traditions in later centuries. Through there, there has been a trend towards orthodox Islam as centers of learning, madrasas were set up in. Set up in इंडोनेशिया अच्छा इंडोनेशिया में जब इस्लाम स्प्रेड होने लगा तो उन्होंने आहिस्ा आिस्ा क्या किया मदारसेस बनाए मदरसे मदरसे बनाए जिसमें उन्होंने क्या किया दीनी तालीम जो है वो लोगों को देना शुरू किया एंड दिस इज दिस स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर वॉज फैसिलिटेटेड बाई ट्रेड एंड चेंजेस इन द पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम सोसाइटी इस्लामिक सोसाइटी सॉरी एज अ रिजल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम अक्रॉस मैनी डिफरेंट इस्लामिक सोसाइटीज़ Okay, now come to the next paragraph. The next largest Muslim country in this region is Malaysia. Islam was brought to this country as early as the 7th century by Arab traders from the Hadramaut region of Arabia. Achha, what is the meaning of Hadramaut? What is Hadramaut? Kya hai? Basically, Hadramaut is a region and it is located in Arabian side. Okay. तो दे आर टॉकिंग अबाउट जो सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री था वो इंडोनेशिया के बाद कौन सा था मलाइजिया था जहाँ पे इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैला ठीक है और किस तरीके से फैला अरब ट्रेडर्स के जरिए फैला ठीक है मर्चेंट्स ऑल्सो सेटल्ड इन द फिलिपाइंस एंड इस्लाम इसे टू समट्स आईलैंड वैन द स्पेनिश कॉन्क्रीट द फिलपाइंस इन द लेट सिक्सटीन सेंचुरी द इम्पोस्ट द रोमन कैथलिक क्रिश्चंस रिलीजन और मोस्ट ऑफ द पीपल अच्छा ये कैथलिक जो होते हैं ये ऑलमोस्ट क्रिश्चनस की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़े से क्रिस्चन से डिफरेंट होते हैं जैसे क्रिश्चन जो है वो बाइबल को मानते हैं बाइबल को फॉलो करते हैं लेकिन जो कैथलिक होते हैं उनकी कोई किताब नहीं है तो इस वैसे बाकी इनके काफ़ी सारे अकीदे क्रिश्चन से ही मिलते हैं तो इसके बाद जो है मर्चेंट्स ऑल्सो सेटल्ड इन द फिल्पाइंस फ़िल्पाइंस में सेटल्ड होने लगे और इस्लाम उसके कुछ आईलैंडस में फैलने लगा वैन स्पेश कौन कर दिल्पाइन जब स्पेनिश ने फिल्पाइन को फता किया है इन द लेट सिक्सटी सेंचुरी दे आर टॉक अबाउट दिक्सटीन सेंचुरी दे इम्पोज द रोमन कैथलिक क्रिश्चियन रीजन ऑन मोस्ट ऑफ द पीपल टू मुस्लिम रिप्रेजेंट ओनली अबाउट फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वो कह रहे हैं कि फिल्पाइन में आज जो है तकरीबन पाँच परसेंट मुसलमानों की आबादी वहाँ मौजूद है नाओ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ द ट्रेडिशनल ट्रेड फ्राम वेस्ट ईस्ट वेस्ट एशिया टू द ईस्ट हैव ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड द फेथ ऑफ इस्लाम फ्राम अरेबिया टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना अच्छा जो दे आर टॉकिंग ट्रेडिशनल रूट एक सिल्क रूट था जो अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे एक सिल्क रूट था जो ट्रेडिशनल रूट फ्राम वेस्ट एशिया टू ईस्ट हैव जो इन दोनों को मिलाता था Konsar route, traditional route from West Asia to East, have also transported the faith of Islam from Arabia to Central Asia and China. yanike now come to the next paragraph. The traditional route, trade routes from West Asia, uh, West Asia to the East, also sorry East have also transported the faith of Islam from Arabia to Central Asia and China. The Great Silk Route is perhaps the most route. फॉलोड बाई ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स एंड इट वॉज थ्रू दैम डेट इस्लाम रीच्ड चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट सिल्क रूट इज पर हैव द मोस्ट फेमस रूट यानी जहाँ से ट्रेडिंग की जाती थी जहाँ से ट्रैवलिंग की जाती थी ग्रेट सिल्क रूट था जिसकी वजह से ट्रेवलिंग और ट्रेडिंग की जाती थी वहाँ से इस्लाम जो है वो चाइना में भी मौजूद है इस्लाम चाइना में भी फैला ठीक है अच्छा इन इंडिया यानी दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया मुस्लिम्स फॉर्म थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वन पॉइंट टू बिलियन इन चाइना द मुस्लिम अकाउंट्स फॉर वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड दे लिव एंड दे लिव मेनली द वेस्टर्न प्रोविंसेस अच्छा इंडिया में ये बता रहे हैं थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट जो है वो पॉपुलेशन वन पॉइंट टू बिलियन में से थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है जबकि चाइना में जो है वन पॉइंट फाइव परसेंट है और चाइना में जो मुसलमान रहते हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं वेस्टर्न प्रोवेंसेज की साइड पर रहते हैं ओके नाव कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड नेक्स्ट पेज Now come to the next paragraph, next page. This is the second last paragraph of this chapter. In central Asia, the Khanat of Bukhara, which was the seat of the Uzbek government, was the center from which Islam is spread to the surrounding areas. As this was also located on a major trade route. So, what is the meaning of Khanat of Bukhara? Basically, Khanat of Bukhara was an Uzbek state from the second quarter of the 16th century to the late 18th century in Central Asia or in Turkmenistan. Okay. Now come to the next paragraph, and this is the last. The last paragraph of this chapter is the Central Asian states gained independence after the breakup of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) as Russia was known in 1990. Before their independence, their people, like those of other faiths, and had been unable to practice their religion, feeling since 1917, but now they have reverted to the faiths of their forefathers. Underline the word forefathers. Forefather means Aba So uh, they are talking about that period of Central Asian states gained freedom. ये यूनियन ऑफ यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद अच्छा आप लोगों को पता है ये जो यूएसएसआर की यूनियन है इसमें फ़िफ्टीन कंट्रीज़ शामिल थी रशिया यूक्रेन जॉर्जिया काजकिस्तान उज्बेकिस्तान आजरबाइजान और तुर्कमानिस्तान ताजिकिस्तान ये सारी कंट्रीज़ टोटल फिफ्टीन कंट्रीज़ शामिल थी इस यूनियन में तो जब इन ये ब्रेक हुई इन्होंने इससे आज़ादी हासिल की वॉज उन्होंने लेकिन इससे पहले बिफोर देयर इंडिपेंडेंस इनकी आज़ादी से पहले देयर पीपल इनके जो लोग थे लाइक ऑफ अदर हैड बीन अनेबल टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली सिंस नाइनटीन नाइन्टी वो अपने रिलीजनस को आजादाना तौर पर उसके हुक्म नहीं मान सकते थे ठीक है बट नाउ दे है so we have completed here this chapter uh, inshallah on my next video we will start copy work okay thank you